हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर आपके सामने आया हूँ करंट अफेयर का सेशन लेकर। कल हमने 20 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पढ़ी थी और आज का जो सेशन है हमारा 21 अगस्त 2020 का करंट अफेयर रहने वाला है और इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। तो हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? 20 अगस्त को। इसके साथ ही देख लेते हैं 20 अगस्त को और कौन सा दिवस बनाया गया। तो 20 अगस्त को बनाया गया मच्छर दिवस। इसके बाद की बात करें हम, एक दिवस और इम्पोर्टेंट आता है 20 अगस्त को, सद्भावना दिवस। अब बात कर लेते हैं सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया गया, लेकिन किसकी याद में या किसकी जयंती पे ये मनाया गया? तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो ये मनाया गया किसके? राजीव गांधी की जयंती पर। और यहीं से पूछ ले कि जो ये 20 अगस्त को सद्भावना दिवस बनाया गया, 20 अगस्त 2020 को, कौन सी जयंती थी राजीव गांधी जी की? तो ये जयंती कौन सी थी? 76वीं जयंती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के मामले में कौन सिरस पर है? कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इंटरनेट का यूज सबसे ज्यादा कौन कर रही है, कौन सा देश सिरस पर है? तो ऑप्शन में क्या मिलता है हमें? डेनमार्क, कनाडा और स्वीडन। अगर बात करें हम पहले नंबर की, फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? डेनमार्क। इसके बाद की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन है? स्वीडन। और बात करें हम थर्ड नंबर की, ये कहां पे? कनाडा में। अब बात कर लेते हैं हमारे भारत महान की। तो हमारा भारत महान है जो, इसमें क्या है? वो है लास्ट नंबर पे। लेकिन यहीं पे बात कर ले यूजर पे कि यूजर में कहां पे है भारत का नंबर। तो यूजरों में भारत का नंबर कहां पे है जो इंटरनेट यूज करते हैं? तो उनमें भारत का नंबर कितना है? 10वां। भारत का अगर स्पीड पे देखें, इंटरनेट मामले में देखे जाए, तो लास्ट नंबर बनता है। पहला नंबर किसका? डेनमार्क का। आखिरी किसका? भारत का। सेकंड नंबर किसका? स्वीडन का। और थर्ड नंबर कनाडा का। लेकिन यही यूजरों पे बात करें तो भारत का कौन सा नंबर है? 10वां नंबर बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 लाख करोड़ डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन सी है? हाल ही में 2 करोड़ डॉलर का पूंजीकरण किया, यानी कि बाजार किया है, तो वो कंपनी कौन सी है? तो बात करें कौन सी, एप्पल आती है फर्स्ट नंबर पर। फर्स्ट नंबर पे कौन सी है? एप्पल। और सेकंड नंबर पे कौन सी? सऊदी अरमाको। ये कौन से नंबर पे? सेकंड। फर्स्ट एप्पल और सेकंड सऊदी अरमाको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में COVID-19 फॉलो अप क्लिनिक कहां शुरू किया गया? एक क्लिनिक कहला गया है COVID-19, यानी कि जो कोरोना से संक्रमित थे और अब वो क्या हो गई, कहीं ना कहीं ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनको कोई दूसरी बीमारी हो जाती है, तो इसके लिए एक क्लिनिक खोला गया है। उस क्लिनिक को खोलने वाला राज्य कौन सा था? तो उसको खोलने वाला राज्य हमारा कौन सा है? तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अजेला जी का निधन हुआ है, वो कौन थी? अभी ये लेडी की जो मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, ये कौन थी? तो ये थी एक टेनिस खिलाड़ी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ICC की बल्लेबाजी टेस्ट में कौन सिरस पर रहा? अभी हाल ही में जारी की गई है ICC बल्लेबाजी की टेस्ट सीरीज, उसमें कौन सिरस पर रहा? तो प्रथम स्थान पर कौन रहा, उसमें नाम आता है किसका? स्टीव स्मिथ का। ये कौन से नंबर पे रहा? फर्स्ट नंबर पे। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? विराट कोहली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय
क्रोमो ऐप लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं ये क्रोमो ऐप क्या है, ये क्या कार्य करेगी। तो जो ये क्रोमो ऐप है ये उपलब्ध करवाएगी रोजगार के साधन। रोजगार को बढ़ाने के लिए कौन सी ऐप बनाई गई, क्रोमो ऐप। और शुरू करने वाला कौन है, ऑप्शन में अमेज़न है, फेसबुक है और गूगल है। तो शुरू करने वाला कौन है, शुरू करने वाली है गूगल। गूगल ने रोजगार के लिए भारतीय क्रोमो ऐप लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार शीर्ष पर कौन रहा, कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है। तो अब इस पे बात कर लेते हैं हम। शीर्ष पे रहा कौन, इंदौर। और इंदौर से बात करें हम, पहले नंबर पे बढ़ता है, फर्स्ट नंबर पे आया। इसके साथ ही इंदौर वह जिला शहर बन गया जो लगातार पिछले 4 वर्षों से क्या चल रहा है, शीर्ष पे चल रहा है। अब यहीं पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि गंगा नदी के किनारे बसने वाला शहर जो क्या है, शीर्ष पर है, वो कौन सा है। तो अभी तो शहर पूछा, सिर्फ देश में पूछ रहा, लेकिन अब स्पेशल पूछ रहा है किस पे, कि बताओ गंगा नदी पे कौन सा है। तो गंगा नदी पे कौन सा, वाराणसी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है। यानी कि जैविक उर्वरक का प्रयोग किसान कर रहे हैं उनमें किस देश का नंबर सबसे पहला है। ऑप्शन में हमें क्या मिलता है, भारत, नेपाल और भूटान। तो जैविक खेती की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे या फर्स्ट रैंक कौन लेके आता है, वो है भारत। बात करें भारत हो गया, और भारत के अंदर कौन सा देश, सॉरी भारत के अंदर कौन सा राज्य है, तो वो राज्य कौन सा रहेगा, वो राज्य रहेगा सिक्किम। इसके बाद नाम किसका आता है, त्रिपुरा का। एग्जामिनर पूछ सकता है कि पहला राज्य कौन सा रहा, दूसरा राज्य कौन सा रहा। तो पहला राज्य हमारा कौन सा रहता है, सिक्किम, और दूसरा राज्य कौन सा, त्रिपुरा। और भारत क्या रहा, पहले नंबर पे रहा। अब एक क्वेश्चन यहां से और स्टैटिक जीके का बन जाता है, करंट अफेयर का बन जाता है। बात करें हम तमिलनाडु की, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हाल ही में पोस्ट कोविड-19, तो तमिलनाडु है जो, इसकी मुख्य बात क्या है, इसने क्या किया है। तो इस महाराज की अगर हम बात करें, इसने मत्स्य उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है। इससे पहले कौन था शीर्ष पे, गुजरात था, लेकिन इसने गुजरात को पिछाड़ते हुए पहले नंबर पे आ गया, कौन सा, तमिलनाडु। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि मत्स्य उत्पादन में सबसे पहले शीर्ष पर कौन है, तमिलनाडु, और सेकंड पे गुजरात, या पूछ ले तमिलनाडु से पहले कौन सा था, तो वो था गुजरात। तो आज वाली क्लास में हमने देखी 21 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। ऐसे ही डेली आपके लिए करंट अफेयर रहता है, और मैं आपको टाइम बता देता हूँ कि ये जो करंट अफेयर रहने वाला है हर रोज डेली आपको किस टाइम मिलेगा। डेली ये करंट आपको मिलेगा 2 बजे, दोपहर को हर 2 बजे क्या मिलेगा आपको, करंट अफेयर मिलेगा।